बुमराह का कर रहे बहुत बड़ा अपमान, हार्दिक साबित हो रहे एक विफल कप्तान, रोहित अब तुम ले लो एमआई टीम की कमान। जी हाँ, अगर बात करें एमआई टीम की तो आईपीएल 2024 में अभी तक उन्होंने दो मुकाबले खेले हैं। पहले मुकाबले में जीता जिताया हुआ मैच हार्दिक की कप्तानी से हारे, तो दूसरे मुकाबले में शर्मनाक शर्मसार तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सभी एमआई प्रशंसक काफी दुख में हैं, काफी दर्द में हैं, और वो ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि गुरु ये न बुमराह का सम्मान कर पा रहे हैं, ये न रोहित का सम्मान कर पा रहे हैं, एक विफल कप्तान साबित हो रहे हैं। और बोला जा रहा है कि एमआई टीम की कमान अब रोहित भाई तुम ले लो, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे एमआई टीम को। अगर हम दूसरे मुकाबले की बात करें तो यहां पर बुमराह का अपमान करते हुए हार्दिक पांड्या, जो एमआई टीम के नए नवेले कप्तान बने हैं, वो नजर आए। पहले मुकाबले में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया था, इस मुकाबले में भी उन्होंने ऐसा किया। पहले मुकाबले में तो चलिए चल गया, क्योंकि जो गुजरात की बल्लेबाजी थी वो अन्य गेंदबाजों को भी नहीं खेल पा रही थी। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें गुरु, एसआरएच के खिलाफ जो कल राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया, वहां पर तो जबरदस्त तरीके से अपमान किया गया। और जो बनी बनाई पहले से प्लानिंग है ड्रेसिंग रूम की, वही यहां पर हार्दिक पांड्या अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे सफल कप्तान बन सकते हैं, पहला सवाल ये निशान। तो ये जो बहुत हो हल्ला बनाया गया है कि हार्दिक पांड्या बहुत बेहतरीन कप्तान, बहुत अच्छे से कप्तानी करते हैं, एक बार गुजरात को आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके हैं, दूसरी बार फाइनल में ले गए थे, लेकिन एमआई का जब से उन्होंने कमान संभाला है तब से वो विफल कप्तान नजर आ रहे हैं। अगर हम एसआरएच के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी की बात करें तो शुरुआती 6 ओवर में बुमराह का मात्र एक ओवर में प्रयोग करते हैं, और अगर हम दूसरे गेंदबाजों का हस्र देखें तो मफाका 26-26 रन एक एक ओवर में लुटाते नजर आते हैं, क्वेडजे 21-21 रन अपने पहले ओवर में, हार्दिक पांड्या किसी भी ओवर में 10 या 12 रनों से कम देते हुए नजर नहीं आते हैं, और बुमराह जो एक ओवर करते हैं उसमें मात्र 5 रन देते हैं। मतलब जो आपका सबसे इफेक्टिव, इस वक्त का सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे अव्वल नंबर का गेंदबाज है, उसको आप एक ओवर में प्रयोग करते हो, चलिए ठीक है, पावर प्ले में एक ओवर में आपने प्रयोग किया। फिर उसके बाद 6-10 ओवरों में जब अभिषेक शर्मा अपने रौद्र रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, स्पिनरों को आड़े हाथ लिए जा रहे थे, पीयूष चावला को का एक भी नहीं सुनने को तैयार थे, चौके छक्के हर बॉल पे पीयूष चावला को मारे जा रहे थे, दो ओवर में पीयूष चावला 34 रन कंसीड कर दिए थे, तो आपको बतौर कप्तान पहला काम होता है आपका कि भैया आपको मोमेंटम ब्रेक करना चाहिए। जो लय अभिषेक शर्मा पा चुके हैं उस लय को तोड़ना था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्या किया, बुमराह का अपमान किया, उनकी एबिलिटी पे शक किया और उनको बने बनाए धारणा, बने बनाए प्लान के हिसाब से यूज किया। ड्रेसिंग रूम में प्लान बना था किसके खिलाफ, क्लासेन के खिलाफ। यह भी एक कमी रही है माई की पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी उनका जो था कि कैसे करेंगे सामना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेन के अगेंस्ट था। ना उन्होंने तैयारी अभिषेक शर्मा की थी, ना उन्होंने तैयारी भैया हेड की थी, ना उन्होंने तैयारी मार्करम की थी। ये तीनों आउट ऑफ द सिलेबस आए और हार्दिक पांड्या बिल्कुल ही अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये कारमा रोका जाए, कैसे जो मोमेंटम अभिषेक शर्मा पाए हैं उसको रोका जाए, और उनके स्ट्रेंथ में ही गेंदबाजी कराते गए। अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्पिन गेंदबाजी, वो स्पिनर्स को खोजते हैं, ढूंढते हैं, और वहां पर वही चीज परोसा किसने, हार्दिक पांड्या ने। बुमराह को कतई उन्होंने प्रयोग नहीं किया, 11 ओवर तक प्रयोग नहीं हुआ। वो जब क्लासेन आए तब बुमराह को लगाया गया। अरे भैया, जब अन्य बल्लेबाज ही मुकाबला आपसे काफी दूर लेकर चले जाएंगे तो फिर क्लासेन के अगेंस्ट आप बुमराह को लगाकर करोगे क्या? जब तक क्लासेन आए क्रीज पर तब तक मुंबई के हाथ से मुकाबला छिटक चुका था। वहां पर बुमराह को लगाकर क्लासेन को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था तब तक। अगर आप शायद बीच में मोमेंटम ब्रेक कर दिए होते बुमराह को लगाकर, उनको सम्मान दे दिए होते जो डिजर्व करते हैं बुमराह, सम्मान वो आप अगर उनको प्रोवाइड कर दिए होते, उनको बताते कि नहीं आप प्रमुख गेंदबाज हो, आपसे हमें विकेट की उम्मीद है, आप यहां पर आओ, अभिषेक शर्मा का विकेट निकालो, मोमेंटम ब्रेक करो और चीजों को फिर ढर्रे पे लाओ, तो बुमराह का वहां पर सम्मान बढ़ता, वो गौरवान्वित महसूस होते और अपना बेस्ट निकाल कर देते।
विकेट अगर वहां पर अभिषेक शर्मा का आ जाता या फिर मार्करम का आ जाता, लय टूट जाता पहले 10 ओवरों में, तो फिर एसआरएस शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाता। मगर विकेट गिरा ही नहीं, लय बरकरार रहा और एसआरएस दमदार प्रदर्शन कर पाया, आईपीएल के इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाया, 277 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर पाया, सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या की बेतुकी कप्तानी की वजह से। तो अब दर्शकों का डिमांड है कि अब रोहित को दे दो कप्तानी, ये हार्दिक के बस की बात नहीं है एमआई जैसे बड़ी फ्रेंचाइजी को संभालना। हाँ, गुजरात अभी छोटी मोटी फ्रेंचाइजी थी, उतना फैन बेस नहीं था, उतना दबाव नहीं था, उतना ये चीजें नहीं, हो हल्ला नहीं बचती, अगर वो हारते भी तो जो मनमानी करना था हार्दिक पांड्या वहां कर सकते थे। लेकिन एमआई एक सफल फ्रेंचाइजी है, रोहित ने इस फ्रेंचाइजी को एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई हैं, तो दबाव बहुत फील कर रहे हैं हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, बहुत वहां पर कमियां खामियां नजर आ रही हैं कप्तानी में। और अगर इसी तरीके से सिलसिला आईपीएल 2024 में एमआई का बढ़ता रहा, अगर इसी तरीके से हार झेलते रहे और ये जो शर्मनाक प्रदर्शन है एमआई टीम के गेंदबाजों का, ये दिखाता है कि हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान फेल हुए हैं। ये गेंदबाजों की विफलता तो है ही, लेकिन कप्तानी की भी बड़ी विफलता है, वो अपने टीम को यूनाइट नहीं कर पा रहे, एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है, वो पहले वाला भैया मेल मिलाप खिलाड़ियों में नजर नहीं आ रहा है कि नहीं एक दूसरे के लिए हम मर मिटेंगे, वैसा कुछ नहीं, सब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, सब भैया अपना अपना रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई किसी के प्रति बॉन्डिंग नजर नहीं आ रहा है, तन मन से कोई नहीं दिख रहा है, कोई तन से दिख रहा है तो कोई मन से दिख रहा है, दोनों एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं हो पा रहे। ये जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है, जल्दी आप देख सकते हैं बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड पर ही आकाश अंबानी टीम मीटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं, रोहित शर्मा से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बेड़ा पार यहां पर कोई लगाएगा एमआई का तो कप्तान पूर्व कप्तान रोहित ही लगाएंगे। आकाश अंबानी को भी अब महसूस हो गया है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है, इतना बड़ा ट्रेड उन्होंने जो हार्दिक पांड्या का किया है वो उतने बड़े ट्रेड के हकदार नहीं थे, अभी उनमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत कुछ सीखना है, और रोहित शर्मा एक दो साल कम से कम कप्तानी एमआई की कर सकते थे, उनके अंडर में हार्दिक खेल सकते थे, बहुत कुछ सीख सकते थे, खिलाड़ियों को अपने प्रति भैया प्रेम सद्भावना ला सकते थे खिलाड़ियों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और जल्दबाजी में लिया गया फैसला एमआई के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। अगर आईपीएल 2024 में इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, प्लेऑफ से अगर एमआई बाहर हो गई, टॉप फोर में जगह नहीं बना पाई, प्लेऑफ से नहीं टॉप फोर में जगह नहीं बना पाई, तो फिर बहुत हसर हो जाएगा, बहुत दुर्गति हो जाएगी, और हार्दिक पांड्या जो इस वक्त कप्तानी का हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, जहां मन तहां देखो भारतीय टीम की कप्तानी पाने की हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, वो भी हाथ से छिटक जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट गुरु दाग देना कि हार्दिक पांड्या के इस कप्तानी से आप कितने खुश हैं, उनके बर्ताव से कितने खुश हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।